सबसे पहले हम जानते हैं कुछ मिसलेनियस फॉर्मूले की शॉर्टकट। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमें फॉर्मूला लगाना होता है, तो जनरली क्या करते हैं लोग, इक्वल करके सम करके फिर फॉर्मूले को आप अप्लाई करते हैं। तो आप ऐसे भी इसको क्या कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारा एक शॉर्टकट होता है ऑटोसम। जी हाँ, ऑटोसम होता है। आप ऑल्ट इक्वल प्रेस करेंगे तो आपका ऑटोसम ऑटोमेटिक लग जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ और फॉर्मूले से एवरेज काउंट करना चाहते हैं, तो इस पे जाके आप एवरेज, यहां पे काउंट नंबर और यहां मैक्सिमम वगैरह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑटो सम कहलाता है। उसके बाद इसमें हमें क्या होता है, कभी कभी हमें डेटा को फिल करना होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कुछ डेटा है हमारे पास, तो अगर मैंने यहाँ पे रैन बिटवीन का मान लीजिए फॉर्मूला लगाया जो कि रैंडम नंबर देता है, अब मुझे इसको कॉपी पेस्ट करना है, तो आप एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका डाउन, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो डाउन में चला जाएगा, कंट्रोल आर करेंगे तो राइट पे चला जाएगा। अप और लेफ्ट के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, बट मैन्युअली आप यहां से जाके कर सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं डेटा को फिल करने की। जैसे कि जनरली हम वन ऑन टू को लिखते हैं और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, तो क्या होता है, आप देखेंगे कि आपका सीक्वेंस बन के आता है। तो क्या ये सीक्वेंस इसके बगैर आ सकता है? जरूर आ सकता है। आप यहाँ फिल पे जाएं और आपके सामने दिखेगा सीरीज। सीरीज पे आए तो बाय डिफॉल्ट लीनियर दिखेगा, तो यहाँ पे स्टेप वैल्यू 1 हो गई और स्टॉप वैल्यू में मान लीजिए कि मैंने 15 कर दिया। हालांकि स्टॉप वैल्यू नहीं देंगे, जितना सिलेक्टेड एरिया है सब में लग जाएगा। तो यहाँ पे 15 करके जस्ट मैंने ओके किया, तो ओके करते आप देखेंगे कि यहाँ 15 तक का सीक्वेंस जनरेट हो गया। तो सीरीज के अंदर में अगर मैं ग्रोथ कर दूं और यहाँ पे 2 करता हूँ, देन ओके, दो दो का मल्टीप्लीकेशन आ जाता है। लेकिन इसका यूज हम नहीं करते, यूज करते हैं हम डेट के लिए। जनरली कभी कभी क्या होता है कि हमें डेट चाहिए होता है और सैटरडे एंड संडे का डेट इग्नोर करना होता है, तो ये चीजें आप सीरीज में जाके कर सकते हैं। सीरीज में डेट ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया, और यहाँ पे आप वीक डे सिलेक्ट कर लें तो मंडे टू फ्राइडे की डेट आएगी, सैटरडे एंड संडे की डेट इसमें नहीं आएगी। सिंपल, सैटरडे संडे की डेट नहीं आएगी। उसके बाद इसमें एक क्रॉस वर्कशीट है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए मुझे एक नई फाइल में कई सारे शीट्स लेने होंगे। क्या होता है, कई बार हमें एक ही डेटा को कई जगह शीट पे डालना होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे नेम और यहाँ अमाउंट है, नेम में हमने पूजा कर दिया, अमाउंट में हमने नंबर कर दिया। उसको सिलेक्ट करके एक छोटा सा हमने यहाँ पे फॉर्मेट दे दिया, छोटा सा फॉर्मेट दे दिया। अब मुझे कॉपी करके सब में लेके जाना है, तो जरूरी नहीं है आप शिफ्ट को होल्ड करें, शिफ्ट की को प्रेस रखें और सबसे लास्ट वाले शीट में चले जाएं। अब यहाँ फिल के अंदर यहाँ आपको दिखेगा एक क्रॉस वर्कशीट। इस एक क्रॉस वर्कशीट पे जाएं और ऑल करेंगे तो जैसा है वैसा कॉपी पेस्ट कर देगा। लेकिन अगर मैंने इसको कंटेन क्लिक किया तो इसकी जो सिर्फ कंटेंट है वो जाएगा, मतलब कि पेस्ट एज ए वैल्यू, ठीक है, और हमने फॉर्मेट किया तो सिर्फ फॉर्मेट जाएगा। तो अक्रॉस वर्कशीट कब हाईलाइट होगा, जब आप कई सारे शीट को शिफ्ट या कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करते हैं तब। समझ गए, क्लियर है? सर अब हम बात करते हैं जस्टिफाई का। जस्टिफाई का यूज अब नहीं होता है, पहले इसका यूज हुआ करता था। तो पहले इसका यूज कहाँ हुआ करता था, तो पहले यूज होता था
जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ नेम ऑफ लिस्ट का नाम दे दिया और मुझे इनको आपस में ज्वाइन करना है। तो मैंने पिछली क्लासेस में बताया था ज्वाइन करने के लिए हमने मान लीजिए पूजा और मोहन को आपस में ज्वाइन करना है तो हमें हाँ कॉन्कैटेनेट का फॉर्मूला लगाना होता है। कॉन्कैटेनेट हमने पहले को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे कॉमा दूसरे को सिलेक्ट किया, तो इस तरह से कॉन्क्रीट होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कॉन्कैटेनेट में एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा और मेरे पास एक लिस्ट है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके टेक्स्ट ज्वाइन कॉन्क्रीट जैसे फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम यहाँ जस्टिफाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कॉलम को करेंगे सबसे पहले बड़ा, हमने कॉलम को कर दिया बड़ा, फिर डेटा को सिलेक्ट करेंगे, डेटा फील्ड में जाएंगे और यहाँ जस्टिफाई आपको दिख रहा होगा, मैं जस्टिफाई पे क्लिक करूंगा। लेकिन जस्टिफाई का मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरी सेल को एक सेल में स्ट्रिंग में कर देगा, जितना कॉलम में आएगा उतना ही करेगा। कल के डेट में कॉलम की साइज अगर बड़ा है तो जस्टिफाई क्या करेगा, बड़ा कर देगा। कॉलम की साइज अगर छोटा करते हैं तो फिर अलग अलग सेल में कर देगा। हाँ बेटा, अगला ऑप्शन है हमारा फ्लैश फेल। वेब फ्लैश टेक्स्ट स्टोरेज में क्या डिफरेंस क्या सर, है? क्या बोला आपने? एक करते हैं ना रैप टेक्स्ट और ये करते हैं जो, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? रैप टेक्स तो एक ही सेल में वर्क करता है ना सर, हाँ जी, रैप हाँ टेक्स और एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है जी, बता दो। ओके। रैप टेक्स का मतलब हुआ कि आपने यहाँ पे सुजीत और कुमार आपने लिख दिया, तो इसको सिलेक्ट करके रैप करेंगे तो टूट के नीचे आ जाएगा एक ही सेल, ठीक समझे ना। लेकिन इसने क्या है, किया, अलग अलग सेल में यहाँ रख दिया, दिख रहा है सर। मतलब कि कॉलन अगर बड़ा कर दें तो कई सारे सेल्स की डेटा को एक सेल के अंदर कंबाइन कर देता है आपका जस्टिफाई, ठीक है। और कॉलम को छोटा कर दें तो कई एक सेल की वैल्यू को कई सारे सेल में तोड़ देता है, समझ गए आप। कोई डाउट सर, आगे बढ़े। यस चलिए अगला ऑप्शन आता है फ्लैश फिल। जी हाँ, फ्लैश फिल के बारे में हम आगे जानेंगे। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं पूजा, मोहन, कविता, दिख रहा है आपको सर। इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम मुझे अलग करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पूजा, एंटर प्रेस किया और यहाँ हमने कर दिया फ्लैश फिल। तो फ्लैश फिल होते ही क्या हो गया, आप देखेंगे कि सबके फर्स्ट नेम अलग हो गए। क्या अलग हो गए, सबके फर्स्ट नेम। और लास्ट नेम अलग करना है तो हम यहीं पे शर्मा लिखेंगे और हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो, और जाके फ्लैश फिल पे क्लिक करेंगे। आ गया शर्मा सर। लेकिन आपके प्रॉब्लम कब होगी, जब बीच का नाम अलग करेंगे तो बीच के नाम अलग करने में प्रॉब्लम होगी। अगर सेम नाम सारे नहीं हुए तो, सेम नाम है तो कोई दिक्कत नहीं, सेम नाम नहीं हुआ तो जैसे कि पाल अलग करते हैं तो पूजा मोहन पाल अलग कर देगा तो इसमें सर पहले वाला प्रॉब्लम। कैसे लग किया था, स्टार्टिंग वाला? सॉरी, सर देखिए फ्लैश फिल क्या करता है कि फ्लैश फिल कर क्या करता है कि उसके बगल वाले कॉलम जो है ना आपका, इसमें से किसी यस पर्टिकुलर पार्ट को एक्सट्रैक्ट करता है। तो पार्ट क्या जी, होगा, एक आपको लिखना पड़ेगा, चाहे फर्स्ट अच्छा लास्ट को भी अलग करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, एक लिख के फिर उस पर कर्सर रखेंगे, जब फ्लैश फिल करेंगे तो फ्लैश फिल क्या करेगा, इस पूजा को इस कॉलम के अंदर उसका राइट पोजीशन देखेगा और उसी पोजीशन राइट, से बाकी सबका डेटा अलग कर देगा। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे शर्मा लिखा तो उसने शर्मा का पोजीशन देखा कि भाई लास्ट में है, और फिर जहां 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 थे लास्ट वाले पार्ट उसने उसको अलग कर लिया। ठीक सेम उसी तरह से जैसे यहाँ पे डेट डला हुआ है, मुझे मंथ अलग करना है, मैंने यहाँ पे जैन लिखा, इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे कर दिया फ्लैश फेल।
तो इसने जैन को देख के मंथ निकाला और मंथ के हिसाब से सारे डेट का मंथ अलग कर दिया। जैसे यहां देखिए 852 है ना, मुझे बीच का 852 आईडी अलग करना है। 852 लिखा, इस पे कर्सर रखा और हमने किया फ्लैश फेल, समझ गए? तो जी 825 को इसने देखा पोजीशन, उसी पोजीशन से सबको अलग कर दी। सेम उसी तरह से यहाँ अमाउंट है, मुझे डेसिमल अलग करने हैं, तो 0.99 किया, इसको सिलेक्ट किया और इस पे हमने कर दिया फ्लैश फेल। तो क्या हो गया, सारे डेसिमल्स अलग हो गए। आ गया समझ में? जी अब यहां क्लियर पे आते हैं। ओके, क्लियर। जैसे कि अगर मुझे इसको पूरा हटाना है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको लेके डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद इसी में आपके सामने आता है क्लियर। अगर मैंने क्लियर ऑल किया तो पूरा का पूरा क्लियर कर देगा, ठीक है? और फिर मैंने यहां पे क्लियर फॉर्मेट किया तो फॉर्मेट क्लियर करेगा। उसी तरह से क्लियर में अगर मैंने कमेंट किया तो कमेंट करेगा, हाइपरलिंक किया तो हाइपरलिंक करेगा। तो जो क्लियर करना चाहते हैं यहां से क्लियर कर सकते हैं। तो आ रहा पार्ट वन। तो इसमें आपकी प्रैक्टिस क्या करनी है, फ्लैश फिल के 10 से 15 एग्जाम्पल आपको खुद से बनाना है और बना के मुझे देना है। और अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है शॉर्टिंग का, डेटा शॉर्ट, डेटा को शॉर्ट करना। अब सबसे पहले इस चीज को जानते हैं कि शॉर्ट हम करते क्यों हैं डेटा को। देखिए, जरूरी नहीं है कि शॉर्ट हम अल्फाबेटिक या लिस्ट के लिए शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट हम बहुत सारे केसेस में करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहां से टॉप 5 क्वांटिटी चाहिए, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्वांटिटी पे हम कलर रखेंगे और यहां से हम कर देंगे शॉर्ट में Z2A, और फिर यहां से हम टॉप 5 टॉप 10 जो भी उठा लेंगे यहां से हम, ठीक है? शॉर्ट तो शॉर्ट जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं, डेटा को सीक्वेंस में अरेंज करना। तो जनरली तो आप शॉर्ट करते ही हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हम बात कर लें। जैसे कि अगर आपको किसी एक कॉलम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है तो जनरली आप यहां से ही कर सकते हैं, कर्सर रखिए और कर लीजिए। लेकिन मुझे शॉर्ट करना है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे सिटी और सिटी वाइज कैटेगरी वाइज डेटा चाहिए, तो हम कस्टम शॉर्ट पे आते हैं। तो यहां से हम पहले सिटी को सिलेक्ट करते हैं और सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग A to Z कर दिया हमने, मतलब असेंडिंग, एक लेबल ऐड किया और सिटी के अंदर जो भी कैटेगरी है उसको A to Z सिल कर। देखिए यहाँ पे दिल्ली आ गई और दिल्ली के अंदर जो कैटेगरी था वो कैटेगरी यहाँ पे हो गए। तो ये जनरली तो सॉर्टिंग हम सब लोग करते ही हैं, लेकिन कई केसेस में शॉर्ट में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मंथ के हिसाब से अगर मैं शॉर्ट कर देता हूं तो आप देखेंगे कि अप्रैल पहले आएगा, फिर अगस्त आएगा, फिर दिसंबर आएगा। ठीक है, तो गलत है ना? मैं कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना चाहता हूं। तो कस्टम शॉर्ट में हम जाएंगे, यहां से मंथ सेलेक्ट किया और ये जो आपको A to Z दिख रहा है इसी में नीचे दिखेगा आपको कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहां से हम अपनी लिस्ट को सेलेक्ट कर ओके करेंगे, देन ओके। आप देखिए जैन फैब मार्च शॉर्ट हो गया। इसी तरह से शॉर्ट बाई कलर भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सिटी में बहुत सारा सेल कलर है, हम चाहते सारे कलर सेल टॉप या बॉटम में आ जाए, तो हम यहाँ कस्टम शॉर्ट पे आएंगे, सिटी को सिलेक्ट करेंगे, सेल वैल्यू के जगह पे सेल कलर, और यहां से हम अपना कलर चूज करेंगे ऑन द टॉप ऑन द बॉटम। उसी तरह से अगर कंडीशन फॉर्मेटिंग के आपने आइकन लगा रखी है तो भी जाके आप कस्टम शॉर्ट में।
कस्टम सॉर्ट में मैंने यहाँ पे एमआरपी को सिलेक्ट किया। यहाँ आता है कस्टम कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन, और अपना आइकन चूज कर लीजिए ऑन द टॉप ऑन द बॉटम एंड ओके कीजिए, ये आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम डेटा के अंदर शॉर्ट करते हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट लेफ्ट टू राइट के बारे में। जैसे कि अब डेटा आपका इस तरह से है, टॉप टू बॉटम शॉर्ट कर ले, लेकिन मुझे लेफ्ट टू राइट शॉर्ट करना है। मुझे क्या करना है कि लोएस्ट टू हाईएस्ट करना है हमारा सेल्स को। तो हम शॉर्ट करते समय कस्टम शॉर्ट पे जाएंगे और यहां ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहां दिख रहा होगा बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है टॉप टू बॉटम, उसको हमें लेफ्ट टू राइट क्लिक करके ओके करना है। फिर मुझे वैल्यू के अकॉर्डिंग करना है तो रो टू सिलेक्ट करेंगे यहां से और ओके, ये आपका शॉर्ट हो गया। अब बात करते हैं कुछ ट्रिक्स के बारे में। जैसे सबसे पहले अनसॉर्ट डेटा, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका डेटा अगर शॉर्ट कर देते हैं तो कंट्रोल जेड करके आप अनसॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर फाइल को सेव करके क्लोज कर दिया या कंट्रोल जेड नहीं हुआ तो वो प्रॉब्लम होगी। तो हम चाहते हैं कि डेटा को मैं कभी भी अनसॉर्ट कर सकूं, तो इसका एक ही उपाय है कि डेटा के सबसे लास्ट में आप सीरियल नंबर ऐड कर दें। डेटा के सबसे लास्ट में क्या करें, सीरियल नंबर ऐड कर दें और फिर इसके अकॉर्डिंग डेटा को शॉर्ट करें। तो अगर मान लीजिए कि मैंने ऑनलाइन शॉर्ट कर दिया, अगर के मुझे वापस से अनसॉर्ट करना है तो सीरियल नंबर पे कर्सर रखेंगे और यहां ए टू जेड कर देंगे। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं। अब यहां पे किसी और कर रहे हैं कि मुझे मेरे पास जो डेटा है दिख रहे हैं आपके सामने कि बहुत सारे ब्लैंक रो है, बहुत सारे क्या है ब्लैंक रो। सॉरी एक्सक्यूज मी, एक बार थोड़ा दोबारा बताना, ये जो सीरियल नंबर लगा के बताया था सर, मैंने बोला था आपको कि अगर आपको डेटा आपके पास आया है उसको शॉर्ट करते हैं तो आपको उसको अनसॉर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि जिस सीक्वेंस में डेटा आपको रिसीव हुआ है उस सीक्वेंस को वापस करना पड़ सकता है। तो एक्सेल में ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप उसको अनसॉर्ट कर सके, लेकिन अगर आपने सबसे लास्ट में या सबसे फर्स्ट में एक यूनिक आईडी ऐड कर दिया सीक्वेंस नंबर, तो आप सीक्वेंस नंबर अकॉर्डिंग शॉर्ट कर लीजिए, अनसॉर्ट हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहां हम आपके सामने एक चीज कर रहे हैं कि मेरे पास नहीं, इसमें फिल्टर लगा के शॉर्ट नहीं कर सकते सर, फिल्टर लगा के डेट वाइज या वैसे शॉर्ट कर लें सर? फिल्टर अलग चीज हो गया, शॉर्ट अलग चीज है। ठीक है, फिल्टर हो गया है कि बहुत बड़े डेटा में से किसी एक पर्टिकुलर डेटा को ही देखना, बाकी को हाइड कर देना, दैट इज फिल्टर। शॉर्ट मतलब हुआ किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में डेटा को देखने। बढ़ते हुए क्रम, याद पढ़े होंगे आप अपने मैथमेटिक्स में, बढ़ते हुए क्रम में सजाए, घटते हुए क्रम में सजाए, दैट इज अ शॉर्ट। राइट राइट। तो अब मेरे पास एक डेटा आया है, अब इस डेटा में प्रॉब्लम क्या है कि हर ए बहुत सारे ब्लैंक्स हैं। तो आप बोलेंगे सर फिल्टर करके ब्लैंक डिलीट कर दीजिए, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि फिल्टर करके करने पे दिक्कत हो सकती है, पीछे का डेटा भी गायब हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और इस डेटा को किसी एक के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर देते हैं, जैसे हम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसको शॉर्ट कर देते हैं। तो यहां जाते हैं कस्टम शॉर्ट पे और हम यहां से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं एंड ओके। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी ब्लैंक था वो नीचे चला जाएगा, समझे, इस तरह से। तो ब्लैंक नीचे चला जाएगा। अब इसमें चलिए एक और प्रोजेक्ट हम करना चाह रहे हैं, बहुत मजेदार प्रोजेक्ट है। मान लीजिए मुझे इस तरह का डेटा रिसीव हुआ, मुझे किस तरह का एक डेटा रिसीव हुआ, राइट।
अब मुझे क्या करने हैं कि मुझे हर तीन के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है, जैसे 1 2 3 और यहाँ पे एक ब्लैंक रो, और फिर यहाँ पे टोटल लिखना है और मुझे अपनी क्वांटिटी का सम करना है, ठीक है। हर तीसरा, बोले हर तीसरा क्यों ऐसा या चौथा क्यों? तो मान लीजिए कि इसमें एक क्वार्टर का कॉलन डाला हुआ है, इसमें Q1, Q2, Q3 इस तरह से दिया हुआ है, समझ रहे हैं सर? दिख रहा है सर? तो आप देख सकते हैं कि Q1, 2, 3, 4, फिर Q1, तो मैं यहां पे एक ब्लैंक रो इंसर्ट करो और यहां टोटल लिखूं और फिर इसका सम करो, समझे सर? फिर यहां पे 1 2 3 4 और सेम इस तरह से, इसी तरह से। तो सर ये तो काफी, अगर आप डेटा आपके पास अगर 10-20 हजार का है तो मैनुअल हो जाएगा, बट पुराना क्या सर? तो इसको भी शॉर्ट से सर कर सकते हैं। अब बोले कैसे करेंगे शॉर्ट से? तो इसके लिए सबसे बाद में सीरियल नंबर ऐड करेंगे, जो तो बाद में डिलीट कर दूंगा मैं। तो हर चार के बाद है, तो 1 को मैंने 4 बार लिखा, 1 को कितना बार लिखा? 4 बार। फिर पांचवे वाले सेल में जाऊंगा और पहले वाले 1 में +1 कर दूं ताकि 2 आ जाए। तो कहने का मतलब, सॉरी +1 करना है, तो कहने का मतलब है कि मैं हर नंबर को क्या कर रहा हूं? 4 बार रिपीट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? 4 बार रिपीट। 1 4 बार आ गया, 2 4 बार आ गया, 3 4 बार आ गया, ऐसे, ठीक है सर? तो मैंने देखा कि 6 तक है, राइट, टोटल नंबर। फिर नीचे में 1 2 3 4 5 6, तो नीचे उसी नंबर को सीक्वेंस मैंने रिपीट कर दिया, लेकिन इस बार सिर्फ एक सेल, एक बार एक सेल को एक बार में लिखा है। फिर पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और हम शॉर्ट कर देंगे सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग। इससे क्या होगा कि हर 4 के बाद एक ब्लैंक रो आ जाएगा, आ गया सर? क्योंकि नीचे वाला 1 ऊपर वाले 1 के बिल्कुल नीचे आया, यहां ब्लैंक आ गया। कुछ पूछना है सर? कोई डाउट है? हाँ सर, ये एक बार ये वाला बताना है, आपने जो 1 2 3 4 6 कहता है सबसे नीचे वाला। देखिए देखिए, बताते हैं मैंने क्या, मुझे क्या करना है, पहले क्वेश्चन समझिए। मुझे यहाँ पे हर 4 रो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है, ठीक है? हर ठीक है 4 रो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है। तो क्या किया मैंने? मैंने यहाँ पे 1 को 4 बार लिखा, कितना बार लिखा? 4 बार। ठीक है 4 बार ठीक है। फिर नीचे हमने इक्वल करके पहले 1 में +1 कर दिया, तो 2 आ गया। अब दो इसको ठीक ड्रैग है करेंगे तो दो भी, दो जो है 4 बार, 3 4 बार, ऐसे हर नंबर 4 4 बार आता रहेगा, ठीक है ठीक ठीक है? तो मैंने ठीक देखा है कि मेरा सर हाईएस्ट नंबर 6 है, तो नीचे जहां डेटा मेरा खत्म हो रहा है, खत्म हुआ, उसके नीचे मैं उसी नंबर को रिपीट कर दूंगा, लेकिन इस बार काउंट जो होगा एक एक बार हो। तो नहीं, लॉजिक ऐसा क्या है क्यों कि, किया ये? हम बता रहा हूं लॉजिक क्या है कि जब मैं डेटा को शॉर्ट करूंगा तो A1 उठ के, मैं सीरियल नंबर का अकॉर्डिंग, मान लीजिए सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करूंगा, तो क्या होगा? A1 उठ के कहां जाएगा? A1 उठ के चला जाएगा इस 1 के नीचे, वन के नीचे ठीक। और यहां 1, और कभी भी शॉर्ट होते समय वो अकेला सेल नहीं जाता है, पूरा का पूरा रो लेके जाता है। तो नीचे वाले रो में क्या है? ब्लैंक है ना, तो ये पूरा ब्लैंक रो लेके यहां चला जाएगा। ठीक है तो जब बाद में सीरियल नंबर को डिलीट कर दूंगा तो ये ब्लैंक रो मिल जाएगा मुझे, ठीक समझ गए? ठीक है ठीक है चलिए इसको सिलेक्ट किया, कस्टम शॉर्ट, और यहां पे हमने सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग शॉर्ट किया, ठीक है? अब सीरियल नंबर में डिलीट कर देता हूं, तो एक काम तो हो गया हमारा, हर 4 के बाद एक ब्लैंक ठीक रो इंसर्ट करना। ठीक
उसके बाद अगला ऑप्शन आता है कि मुझे यहाँ पे टोटल लिखना है, जहां जहां ब्लैंक है वहां पे क्या लिखना है, टोटल लिखना है। तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया पूरे कॉलम को, ठीक है। और हमारे पास फाइंड एंड सिलेक्ट के अंदर गो टू स्पेशल होता है। गो टू स्पेशल सिलेक्ट करने का काम करता है। तो मैंने बोला कि ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करो, इसके अंदर जहां भी ब्लैंक सेल है सबको सिलेक्ट कर लेगा। फिर मैं यहां पे टोटल लिखा। अब टोटल लिखने के बाद मैं नॉर्मल एंटर नहीं मारूंगा, मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर किया तो देखिए आगे। अब कंट्रोल एंटर क्या है, तो एक चीज जान लीजिए, एक सिलेक्टेड एरिया आपके अंदर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। नॉर्मल एंटर मारेंगे तो नीचे कर्सर आ जाएगा, लेकिन मैं कंट्रोल एंटर मारूंगा तो उसी चीज को कॉपी करके पूरे एरिया में पेस्ट कर देगा। कर दिया सर, ठीक। तो सेम यहां भी टोटल हो गया। फिर मैं इसको बोल्ड करता हूं। अब मुझे इसी मेथड से यहां पे फॉर्मूला भी लगा लेना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद सेम फाइंड एंड सिलेक्ट गो टू स्पेशल ब्लैंक एंड ओके। और यहां पे मैं सम का फॉर्मूला लगाया, डेटा को सिलेक्ट किया, और यहां पे नॉर्मल एंटर ही प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल कंट्रोल एंटर, एंटर। फिर बोल्ड कर दीजिए, ये आपका देखिए अलग गया फॉर्मूला सर। ठीक। अब इसी चीज को क्या करना है कि क्या कॉलम वाइज कर सकते हैं, कि मेरे पास एक डेटा है जो आप देख पा रहे हैं और मुझे इसको हर एक कॉलम इस तरह से डेटा चाहिए होगा, लेकिन क्या है ना कि जो मेरा डेटा रिसीव होता है ना, तो इस तरह से रिसीव नहीं होता है, मुझे रिसीव होता है मंथ के हिसाब से इस तरह से, या डे के हिसाब से, कॉलम वाइज। यहां इस तरह से रिसीव होता है। अब मुझे क्या करना होता है कि हर एक कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करना होता है, उसका परसेंटेज लेना होता है, और उसको 70 से डिवाइड करना होता है, क्योंकि 70 टारगेट है, और ड्रैग करके फिर परसेंटेज का सिंबल लगाना होता है। समझे सर। एक तो ये तो 12 में है, तो चलो 12 है तो एक आदमी मैंने 10-5 मिनट में हो जाएगा, लेकिन कभी कभी मुझे डे वाइज मिल जाते हैं जिसमें साल का या 365 दिन हो जाता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो कैसे करें इसको, ट्रिक के हिसाब से। तो सबसे पहले हमने एक रो को इंसर्ट किया ऊपर ब्लैंक, और मुझे हर एक के बाद करना है तो 1 2 3 को कंटिन्यूअस लिख दिया, 2 करना है तो 2 बार रिपीट कीजिए, 3 करना है 3 बार रिपीट कीजिए, राइट। फिर इसी इसी सीक्वेंस नंबर को मैंने यहां पे रिपीट कर दिया वापस, सेम मेथड, और हेडिंग में परसेंटेज दे दिया ताकि एक एक करके परसेंटेज देने की जरूरत ना पड़े। और फिर पूरे डेटा को हम सिलेक्ट करते हैं, नेम वाला हेडिंग मत सिलेक्ट कीजिए वरना वो भी शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट वाले में हेडिंग इग्नोर नहीं करता है। तो कस्टम शॉर्ट पे आते हैं, ऑप्शन पे जाते हैं, शॉर्ट लेफ्ट टू राइट, और रो नंबर के अकॉर्डिंग हम डेटा को शॉर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो गया कि हर एक कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो गया, वो भी परसेंटेज हेडिंग के साथ। अब मैं वही गो टू स्पेशल वाला मेथड लूंगा और हम पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे, फाइनेंस सिलेक्ट में जाएंगे, गो टू स्पेशल ब्लैंक एंड ओके, और फिर फॉर्मूला लगाएंगे कि दिस इज डिवाइड बाय 70, नॉर्मल एंटर नहीं कंट्रोल एंटर, और फिर परसेंटेज का सिंबल दे दे। हो गया सर। ओके। तो अब आप लोग सेम चीज को कीजिए प्रैक्टिस, ठीक है, और फ्लैश फिल के 8-10 एग्जाम्पल बना के दीजिए।